टीवी शो कृष्णा मोहनी के ऑफ एयर होने के बाद कलश टीवी के 5 बड़े टीवी शोज ऑफ एयर होने वाले हैं। तो आइए आज के इस खास वीडियो में उन 5 बड़े टीवी शोज के नाम को बताते हैं जो कलश टीवी पर बहुत ही जल्द बंद होने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की खास शुरुआत करते हैं। पहला टीवी शो है सुहागन चुड़ैल। काफी लो टीआरपी है इस टीवी शो की, 0.9 की टीआरपी आ रही है हर हफ्ते, जिसके चलते शो के मेकर्स ने इस टीवी शो को ऑफ एयर करने का फैसला लिया है। इस टीवी शो में बड़े बड़े स्टार कास्ट जैसे कि निया शर्मा, देव चंद्रिमा सिंघा रॉय और जैन इबाद खान जैसे स्टार कास्ट नजर आ रहे हैं और सितंबर के मिड में ऑफ एयर हो जाएगा। वहीं दूसरा टीवी शो है मिश्री। जी हाँ दोस्तों, इस टीवी शो की टीआरपी तो फिलहाल के दिनों में बढ़ावा देखने को मिला है, लेकिन इन सब के बावजूद भी शो के मेकर्स ने इसे बंद करने का फैसला लिया है। शो में श्रुति बिष्ट मिश्री, इसके अलावा मेघा चक्रवर्ती, वाणी और टीवी एक्टर नमिष तनेजा राघो का किरदार निभाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं तीसरे टीवी शो की बात की जाए लक्ष्मी नारायण, जिसे पहले ही शो के मेकर्स ने ऑफ एयर करने की घोषणा कर दी थी, लेकिन अचानक इस टीवी शो को 2 महीने का एक्सटेंशन दिया गया। लेकिन अब सितंबर के एंड वीक पर इस टीवी शो को ऑफ एयर कर दिया जाएगा, जिसमें शिव्या पठानिया और श्रीकांत द्विवेदी मेन लीड कलाकारों के रूप में नजर आ रहे हैं। वहीं चौथा टीवी शो की बात की जाए तो दोस्तों एकता कपूर का ब्लॉकबस्टर टीवी शो है परिणीति। इस टीवी शो को भी शो के मेकर्स बार बार एक्सटेंशन दे रहे हैं, लेकिन अब जो खबरें निकल कर सामने आ रही है कि इस टीवी शो की स्टोरी लाइन को एक अच्छे पॉइंट ऑफ व्यू और सितंबर के मिड में ऑफ एयर किया जाने वाला है। अब देखना होगा कि कब ऑफ एयर होता है। वहीं पांचवा टीवी शो है कलश टीवी का एक वक्त में ब्लॉकबस्टर टीवी शो था सुहागन। सबसे कम टीआरपी है, 0.7 की टीआरपी आ रही है इस टीवी शो की और लो रेटिंग की वजह से मेकर्स को काफ़ी भारी भरकम नुकसान उठाना पड़ रहा है, जिसके चलते मेकर्स ने इसे यहाँ पर सितंबर के मिड में ऑफ एयर करने का फैसला ले लिया है। तो ये 5 टीवी शो हैं मिश्री, सुहागन चुड़ैल, लक्ष्मी नारायण, सुहागन और परिणीति। इन 5ों टीवी शो में से आप किस टीवी शो को सबसे ज़्यादा मिस करने वाले हैं, प्लीज़ अपने कमेंट के थ्रू ज़रूर बताएं आज के इस खास वीडियो में। तब तक के लिए बने रहें हमारे वीडियो के